हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल सही होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है ठोस क्या होता है, ठोस के प्रकार, ठोसों का वर्गीकरण इससे पहले वीडियो में, और आज हम देखेंगे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, लगभग केमिस्ट्री में 2 नंबर का आता है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, इसमें क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर या विभेद कीजिए या गुणधर्म, ऐसा क्वेश्चन आता है। क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस क्या है या इनमें विभेद कीजिए, ठीक है ना? इस प्रकार से तो हमने एक तरफ डाल दिया क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ डाल दिया अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन क्या होती है? वह ठोस जिसमें अवयवी कण, यानी कि जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण क्या होंगे? अणु, परमाणु, आयन, यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ या तो अणु से मिलकर बना होगा या परमाणु से या आयन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना? तो जब इनके अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं, यानी कि जब ये निश्चित क्रम में जुड़ेंगे, बिल्कुल फिक्स निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं या जुड़े रहते हैं, तो उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे नमक, यदि आप लोग नमक की संरचना देख पाए NaCl की, तो नमक की संरचना ऐसे होती है, Na प्लस Cl, यदि हम इसे अनित करते हैं तो हमें Na प्लस Cl में टूट जाता है। तो जैसे NaCl यानी कि नमक, आप लोग का लोहा, Fe, सोना, चांदी आदि, ये आप लोगों के क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है, ठीक है? इसी प्रकार से आप लोग इधर अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? वह ठोस जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन, यानी कि मुख्य में नहीं है अणु, परमाणु, आयन, या तो आप अणु, परमाणु, आयन बोल लो या आप अवयवी कण बोल सकते हो, यानी कि वह ठोस जिसमें अवयवी कण अनिश्चित क्रम में, इसमें आप लोगों का निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, इसमें अनिश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है ना? अक्रिस्टलीय में आप लोग का अ का याद रखना है, हर जगह आप लोग को अ का ही प्रयोग करना, ज्यादातर इसमें ये अक्रिस्टलीय तो अनिश्चित हो आप लोग का अनिश्चित कन्फर्म, ठीक है? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे कि कांच, रबड़, प्लास्टिक और प्लास्टिक आदि या PVC एक्सेट्रा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या, इनका ज्यामिति अभिविन्यास, यानी कि जो ज्यामिति होती है तथा आकार बिल्कुल निश्चित होते हैं, यानी कि जो इनके आकार होते हैं बिल्कुल निश्चित होते हैं, ठीक है ना? फिर अक्रिस्टलीय ठोसों में इनका ज्यामिति अभिविन्यास तथा आकार अनिश्चित होता है, यानी कि जब हम इनकी ज्यामिति देखते हैं बिल्कुल अनिश्चित मिलती है, ठीक है ना? उसके बाद तीसरा पॉइंट है आप लोग क्रिस्टलीय ठोसों में, इसमें दीर्घ पराशरी व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि जो इनके अवयवी कण होते हैं, जैसे अणु, परमाणु, आयन, यदि आप लोग कोई क्रिस्टल बना हुआ है तो इनमें दीर्घ पराशरी व्यवस्था होती है। दीर्घ पराशरी व्यवस्था का मतलब होता है ये लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है ना? जैसे हम देखते हैं कोई, हमने एक डब्बा, हमने एक ऐसा करके एक डब्बे के ऊपर एक डब्बा रख दिया, ठीक है ना? फिर एक डब्बा ऐसा रखा, ठीक है, फिर एक डब्बा ऐसा रखा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। यदि मैं इस प्रकार से ही ना इसके ऊपर इन्हें रखता चले जाऊँ, ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, इसे बहुत ऊंची दीवार बना सकते हैं, यानी कि डब्बे के ऊपर डब्बा रखते चले गए ना अच्छी तरीके से, बिल्कुल, ठीक है? तो हम इसे बहुत ऊंचाई तक, बहुत लंबे, यानी कि बहुत ऊंची दीवार बना सकते हैं। जैसा मिस्त्री होता है वो क्या करता है, जैसे ईंट के ऊपर बिल्कुल सीक्वेंस में एक सूत में बनाता है दीवार को, ठीक है ना? बिल्कुल, तो वह लंबी दीवार चलती है, जैसे ईंट देखी होगी आप लोगों ने, तो क्या करता है ईंट के ऊपर ईंट लगाता है बिल्कुल सीक्वेंस में, ऐसा कर कर कर, ठीक है ना, ऐसा लगाता है। अब आप लोग इधर आ जाओ, यदि हम इसमें लघु पराशरी व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि जो इनके अवयवी कौन होते हैं अणु, परमाणु, आयन, इनमें क्या होती है लघु पराशरी व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते। जैसा मैं कह लघु, अभी ईंट ली मैंने, इन ईंटों में से मैंने क्या करा, एक ईंट ऐसा डाल दी, ठीक है, एक ईंट मैंने यहाँ पे रख दी ऐसा करके, एक ईंट मैंने ऐसा रख दी, ठीक है, एक ईंट मैंने यहाँ रख दी, एक ईंट मैंने यहाँ रख दी, एक ईंट मैंने यहाँ रख दिया ऐसा करके, एक ईंट मैंने यहाँ पे रख दी, यानी कि वह ऐसे ही रख दिए, ठीक है, लघु पराशरी व्यवस्था। क्योंकि मैंने बताया कि इनमें क्या होता है आकार क्या होता है आप लोगों का अनिश्चित होता है, ठीक है ना? तो इसमें मैंने ऐसा रख दी, तो क्या होगा कुछ समय बाद ही जो ईंटों का ढेर है नीचे डल जाएगा, ठीक है ना? यानी कि ये कुछ समय तक ही चल पाएगा, लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं चल पानेगा, क्योंकि इसमें लिखा है इसमें दीर्घ पराशरी व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ये निश्चित होते हैं, ठीक है? तो इसलिए दीर्घ यानी कि लंबे समय तक चलते हैं, लघु पराशरी व्यवस्था यानी कि जो इसमें अवयवी कण होते हैं कहीं पर जुड़े रहते हैं इस प्रकार से, वे निश्चित क्रम में नहीं होते, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला कि अनिश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। देखो, अनिश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, जब अनिश्चित क्रम में जुड़ रहे होंगे तो ऐसे जुड़ रहे होंगे, जब ऐसे जुड़ेंगे तो ये इसलिए लंबे समय तक नहीं चलते, इसलिए लघु पराशरी व्यवस्था
पाई जाती है। अब आप लोगों इसमें है भाई, इनका गलनांक निश्चित होता है, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक जो होता है ना, इनका बिल्कुल निश्चित होता है आप लोगों का। ठीक है, निश्चित आप लोगों का निश्चित कैसा होता है, देखो जैसा हम नमक की बात करते हैं, नमक में हमने NaCl NaCl लिया, देखो भाई NaCl NaCl का जो गलनांक होता है, यदि मैं इसकी गलनांक की बात करूं, यानी कि गला कहाँ पे जाकर हो, गलनांक देखो, गलनांक क्या होता है, गलनांक किसी भी पदार्थ का वह बिंदु होता है, ठीक है, जिस पर, ठीक है ना, कोई भी ठोस पिंगल का क्या बदल जा, द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि गलनांक वह चीज होती है, ठीक है, जो कोई ठोस पिंगल का क्या बन जाता हो, द्रव बन जाता हो। तो NaCl आप लोग देख खरा ठोस होता है, तो यदि हम इसे पिघलना चाहते हैं, गलाना चाहते हैं, तो लगभग हमें इसे 801 सेंसियल टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, ठोस पिंगल का द्रव बदल जाएगा। यदि मैं लोहे की बात करूँ, लोहा Fe, Fe का जो गलनांक होता, जो गलनांक होता आप लोगों का, वो लगभग होता 1538 सेंसियल के आसपास। यदि आपको लोहे की कोई रोड, इतनी मोटी रोड है यार लोहे की, ठीक है ना, आपको यह क्या करनी है, गलानी है, ठीक है ना, यदि आप लोग इस टेम्परेचर दोगे, मैंने सपोज करो मैंने ऐसा लगभग लगभग 300 डिग्री सेंसियल टेम्परेचर दे दिया, ठीक है ना, या 400 दे दिया, 300 से 400 डिग्री, तो 300 से 400 डिग्री पर क्या होगा, यह रोड होगी लोहे की, यह रोड ना लाल तप्त हो जाएगी, लाल तप्त, यानी कि आपको दिखाई देगी लाल हो जाएगी, बहुत लाल, ठीक है ना, लेकिन क्या होगा, यह बिल्कुल भी पिघलने की नहीं, क्योंकि पिघलने के जैसे टेम्परेचर आ रहा 1500 सेंसियल, आप लोगों को लाल तो दिखाई देगी, ठीक है ना, लाल होने के बाद यदि आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, बहुत ज्यादा बढ़ाओगे, यानी कि 1538 के आसपास करोगे, तो यह जो रोड है लाल होने के बाद पिघलनी क्या हो जाएगी, शुरू शुरू हो जाएगी, क्या द्रव बदल जाएगी, पानी की तरह बन जाएगी, जब इसका टेम्परेचर 1500 सेंसियल दिया जाएगा, यानी कि 1500 सेंसियल के आसपास जाएगा, पिघलनी शुरू होगी। इसलिए हम कहते हैं कि इनका जो गलनांक होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है। यदि मैं इधर बात करूँ, इनका गलनांक अनिश्चित होता है, यानी कि जो आप लोगों का जो गलनांक होता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित अनिश्चित का मतलब होता है यानी कि किसी भी गलनांक पर गलना शुरू रहते हैं, यानी कि कोई भी टेम्परेचर दो नहीं गलने शुरू हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखी होगी प्लास्टिक होगी, क्या होगी, प्लास्टिक, प्लास्टिक को क्या करो, यदि प्लास्टिक की बात करूँ, ये 160 सेंसियल से 200 सेंसियल पर लगभग पिघल जाती है। यदि मैं थोड़ा सा टेम्परेचर दूँ प्लास्टिक को, तो वह जलनी शुरू हो जाती है एकदम से, थोड़े से टेम्परेचर पर, ठीक है। यदि आप लोग दूसरा एग्जाम्पल, यदि मैं एक टायर लूँ, आप लोगों ने देखा होगा कभी बचपन में, आप लोगों ने टायर देखे होंगे, टायर आप लोगों ने टायर लिया, कटाया, और वो टायर क्या होता है, आप लोगों ने टायर लिया ऐसा करके, और वो टायर जलाया, आप लोगों ने देखा होता है, जलाते हैं बचपन में बच्चे छोटे छोटे क्या करते हैं, टायर वायर जलाते हैं, कभी कभी फालतू मटेरियल पड़ा रहता है, हम टायर जला दिया, हमने टायर जला, जैसे ही जलाएंगे तो हम देखेंगे हाँ अगले हिस्से में आग लगाएंगे इसके, ठीक है सर, यहाँ से जलाना शुरू करेंगे, जैसे हम अगले हिस्से में यहाँ पे आग लगाएंगे, हीट देंगे ना सर, तो ये जो अगला हिस्सा है यहाँ का, ये क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, जलना, ये जलना शुरू हो जाएगा। आप लोग इसके बाद देखोगे जो यहाँ का पीछे का हिस्सा होगा ना, थोड़ा थोड़ा आप लोग, क्योंकि हीट मिलेगी सर, हीट मिलने के बाद ये वाला हिस्सा क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और यहां से आप लोग टायर को पकड़ सकते हो हाथ सर, यहाँ का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, ठोस, क्या होगा, यहाँ का हिस्सा ठोस। तो हम देखते हैं इस प्रकार से, हम कहते हैं इनका गलनांक अनिश्चित होता है। अनिश्चित होने का कारण क्या है, आप लोग देखोगे यदि कोई टायर हो, प्लास्टिक टायर होगा, जैसे रबड़ का टायर होगा, तब जब इनसे जलाएंगे ना, तो जो आगे का हिस्सा हो जला होगा, ठीक है, पीछे का हिस्सा थोड़े से, इसके पीछे का हिस्सा क्या हो रहा होगा, पिघल रहा होगा, जो पीछे का हिस्सा होगा लास्ट का हिस्सा, उस हमने हाथ से पकड़ रखा होगा, बिल्कुल क्या होगा, ठोस होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जिनके गलनांक होते हैं अनिश्चित होते हैं। आप लोग देखो तीन कंडीशन हो रही है, यहाँ से जड़ला, यहाँ से पिघलना, और यहाँ से ठोस, तो इस प्रकार से तीन कंडीशन इसी में दिखाई दे रही है। इसीलिए बोलते हैं कि इनके गलनांक बिल्कुल क्या होते हैं, अनिश्चित, जबकि हम लोहे की रोड में ऐसा नहीं कर सकते। यदि लोहे की रोड आपने जलानी शुरू करी, आप लोग पीछे से बिल्कुल भी से पकड़ कर नहीं रख सकते, यदि आप पकड़ोगे तो आपका हाथ बिल्कुल क्या हो जाएगा, जल जाएगा या फूक जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं इनका जो गलनांक और गलनांक जो होता है ना, वो बिल्कुल निश्चित होता है, ठीक है। अब आती है, अब आता पॉइंट नंबर पांच, पॉइंट नंबर पांच की बात करते हैं, विषम देशिकता। विषम देशिकता, विषम मैंने होता अलग अलग, देशिक मैंने दिशा, यानी कि आप लोग यदि इनकी दिशा की बात करो, यदि आप लोग देखते हो तो अलग अलग दिखाई देता है, दिशा का मतलब भी आप लोगों का, विषम का मतलब भी आप लोगों का क्या होता है, अलग अलग, और देशिक का मतलब दिशा है। यदि आप लोग इनमें देखोगे तो विषम देशिकता गुण पाया जाएगा, ठीक है भाई। अब विषम देशिकता गुण कैसे पाया जाएगा, देखो फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, यहाँ पे आप लोग देखो, यदि आप अन्य को देखोगे, एक को मैंने एक अन्य देखा, एक अन्य की तरफ आप लोग देखोगे, यहाँ पे एक सीएल,
एक सीएल, यानी यदि आप लोग इसमें अन्य को देख रहे तो उसके चारों तरफ आपको एक सीएल दिखाई देगा, ठीक है। यदि आप अन्य नहीं देखना चाह रहे, आपका मन कर रहा सीएल देखने को, तो आप सीएल देखो, आप सीएल पर ध्यान दो, सीएल पर ध्यान दोगे तो उसकी एक तरफ अन्य आ रहा, एक तरफ अन्य आ रहा, एक तरफ ये आ रहा, एक तरफ ये आ रहा, यानी कि आप सीएल को देख रहे तो उसके चारों तरफ अन्य है। यदि आप अन्य को देख रहे तो उसके चारों तरफ सीएल है, यानी कि आपको यहाँ अलग दिखाई दिया, यहाँ अलग दिखाई दिया। आप यहाँ से नहीं देखना चाह रहे, आप यहाँ से एंगल बदलना चाह रहे, तो आप लोग यहाँ से देख लो, यहाँ से आपने देखना शुरू करा, यहाँ से अन्य, यहाँ से अन्य, यहाँ से अन्य, यहाँ से अन्य, यानी कि आपको यहाँ से अन्य अन्य दिखाई दे रहे, यहाँ अलग। यदि आप इस दिशा से नहीं देखना चाह रहे, आप इससे देखना चाह रहे, इससे देख लो, तो आप लोगों को इससे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सीएल, यहाँ पे सीएल, यहाँ पे सीएल, यहाँ पे सीएल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, यदि हम किसी भी इस दिशा से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देता है। इसी गुण को हम कहते हैं विषमदेशिकता। या आप दूसरा एग्जाम्पल देख लो, कभी कभी क्या होता है, यदि आप स्कूल में गए, आप मॉर्निंग में स्कूल में जाते हैं सभी बच्चे, तो आप लोग देखते हो वहाँ पे नाइन्थ की जो लाइन है वो अलग लग रही, नाइन्थ के बच्चे अलग खड़े, टेंथ की जो लाइन है वो क्या है, अलग, इलेवेंथ की जो लाइन है वो अलग, ठीक है ना, अलग बनी हुई है, और जो ट्वेल्थ की लाइन है वो क्या है, अलग बनी हुई है, ठीक है। आप लोग जाओगे, आप लोग प्रेयर में कोई भी आ गया ना आप लोग, ठीक है ना, उसमें वो नाइन्थ वालों को एकदम से पहचान ला, क्योंकि अलग है। यदि वो इधर से देखेगा तो नाइन्थ वाले दिखाई देंगे, दसवीं वाले, ग्यारहवीं वाले, बारहवीं वाले, यदि पीछे देखेगा तो सब बारहवीं वाले दिखाई देंगे, ठीक है, फिर ग्यारहवीं वाले, फिर दसवीं वाले, फिर बारहवीं वाले, यदि बीच से दिखाई देगा तो सब ग्यारहवीं वाले दिखाई देंगे, यानी कि सारे अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। तो सब बोलते हैं विषमदेशिकता। अब आता आप लोगों का समदेशिकता। समदेशिकता में क्या होता है, एक समान दिखाई देते हैं, समदेशिकता में क्या होता है, सभी के सभी एक समान, इसमें सारे के सारे दिशा से किसी भी दिशा से देखो बिल्कुल क्या दिखाई देगा, एक समान, एक समान कैसा। अब देखो भाई, आप लोगों के पास यहाँ पे क्या होगा, स्कूल की क्या होगी भाई, छुट्टी, स्कूल की क्या होगी भाई, छुट्टी होगी आप लोगों की। छुट्टी होने के बाद क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, यानी कि आप लोगों का इंटरवल हो गया, इंटरवल में क्या होगा, नाइन्थ के बीच में ही घूम रहे हैं ग्राउंड में, ग्यारहवीं के भी, बारहवीं के भी, ठीक है ना, सब दसवीं के भी, इसमें क्या हो गए, मिक्स सारे घूम रहे हैं, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, तो आप लोगों को इसमें पता नहीं लगने का कि कौन नाइन्थ कहाँ, क्योंकि यहाँ तो आप लोग अलग लाइन में खड़े थे, आपको दिखाई दे रहा था कि कौन ग्यारहवीं में, कौन दसवीं में, कौन बारहवीं में, लेकिन यहाँ क्या सारे मिक्स हो गए इंटरवल में, अब आप लोग पहचान भी नहीं सकते कौन ग्यारहवीं में था, कौन नौवीं में, कौन दसवीं में, सारे आपको एक समान दिखाई देंगे, सारे क्या दिखाई देंगे, एक समान। तो सब बोलते हैं समदेशिकता, ठीक है। तो समदेशिकता गुण पाया जाता है आप लोगों का अक्रिस्टलीय ठोसों में। अब आता है भाई पॉइंट नंबर छह। पॉइंट नंबर छह में क्या होता है, ये वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस उन्हें कहते हैं जिनकी ज्यामिति और आकार क्या होता है, निश्चित होता है, आकार क्या होता है, निश्चित, आकार और ज्यामिति निश्चित होने के कारण जिन भी, जो भी ठोस होते हैं जिनका आकार, आयतन और आप लोगों की ज्यामिति बिल्कुल क्या होती है, निश्चित होती है, उसे हम वास्तविक ठोस कहते हैं। और वास्तविक ठोस कहने का कारण ये, हमने पढ़ा कि इनका आकार निश्चित होता है, ये निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है ना, और इनका ज्यामिति भी निश्चित होती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में यदि मैं कांच की बात करूँ, कांच ले लिया मैंने, तो ये एक आभासी ठोस होते हैं, या इन्हें अतिशीतित द्रव बोलते हैं। कभी कभी प्रश्न आता कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। अब अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, अतिशीतित द्रव, इनमें क्या होता है, द्रव के समान, द्रव के समान प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, प्रवाह की प्रवृत्ति, इनमें द्रव के समान प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जो प्रवृत्ति होती है ना बहुत धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे। जितने भी आप लोगों के अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें क्या होता है, प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, धीरे धीरे बहते हैं, ठीक है, बहते कैसे है, उदाहरण के रूप में कभी आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोगों ने घर में कांच की खिड़की लगवा रखी, कांच की क्या लगवा रखी, खिड़की, तो जैसा कांच की खिड़की लगी हुई है, तो कांच की खिड़की में क्या होगा, जैसा अपना कांच की खिड़की लगाई, तब आप लोग कांच की खिड़की लगाओगे कांच का, तो कांच का क्या होगा, जो कांच होगी बिल्कुल आप लोग निश्चित आकार में लेकर आओगे, ठीक है ना, लेकिन कुछ समय बाद, एक साल भर, ठीक है, एक डेढ़ साल में, दो साल में, तो क्या होगा, जो आप लोगों के किनारे होंगे, ये क्या होंगे, किनारे, किनारे क्या होंगे, मोटे हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि जब आप स्टार्टिंग में लेकर आए थे, जब बिल्कुल एक
सार था बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन क्या होगा धीरे धीरे आप लोगों की जो, क्योंकि आपका कांच है तो इसमें प्रवाह की प्रति होती है, धीरे 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 खिसकता चल जाएगा, धीरे धीरे प्रवाह कर 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 नीचे आ जाएंगे, इसके को ना नीचे आकर बैठ जाएंगे, जमा हो जाएंगे, जमा होने के बाद क्या होगा जो इसके नीचे किनारे होंगे क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मोटे। इसलिए हम कहते हैं इनका आकार क्या होता है अनिश्चित होता आकार, क्योंकि इनका आकार क्या होगा निश्चित, क्योंकि प्रवाह की प्रवृत्ति धीरे 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 क्या होगा इनमें प्रवाह होता रहेगा, और प्रवाह होने के बाद इनके किनारे क्या हो जाएंगे मोटे हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं इसलिए हम कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्योंकि इनमें द्रव के समान, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं परिभाषा में कि इनमें द्रव के समान प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, इसलिए 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 धीरे धीरे क्या होता है जो खिड़कियां होती है इनके जो किनारे है ना मोटे हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम कांच को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्रिस्टल या क्रिस्टलीय ठोस में अंतर हो जाता है, और बहुत इंपोर्टेंट हो गया टॉपिक आप लोगों का जो लगभग 203 नंबर में आता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।